कल शाम मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया कि भैया मैंने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा ली हैं, अब इसका मैं सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करूं। ये सोच के मेरे मन में ख्याल आया क्यों न मैं इसके बारे में एक वीडियो ही बना दूं ताकि इसकी जानकारी सबको मिले। आगे जाके आपको बहुत सी जगहों पर ज़रूरत रहने वाली है इस डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेके रखे हैं तो कृपया अपने मोबाइल पे सेव करके रखिएगा इस सर्टिफिकेट को, और वो कैसे करना है मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके लिए चलना पड़ेगा सबसे पहले मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जाना होगा आपके मोबाइल के मैसेजेस पे, जहाँ पे आपको एक मैसेज आया होगा कुछ इस तरह से। आपको बस इस ब्लू लिंक को ओपन करना है। इसको ओपन करते ही आपके सामने आएगा cowin.gov.in वाला पेज, जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सर्च बाय पिन एंड सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। उसे छोड़ के आपको जाना है जो ऊपर येलो कलर का दिख रहा है, रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो अगले वाला विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको देना है जब आपने वैक्सीनेशन करवाया था तब जो नंबर डलवाया है वो नंबर आपको डालना है इसके अंदर। मैं अपना मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है गेट ओटीपी पे, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे जाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपको यहाँ पे डालना है। आपके मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और गेट वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो अगले वाली विंडो ओपन होगी, जो कुछ इस तरह से आपको दिखने में आएगी। आपको बस प्रेस करना है सर्टिफाई पे। जैसे ही आप सर्टिफाई पे प्रेस करोगे तो इसकी फाइल अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल के फाइल मैनेजर पे। ये मैं फाइल मैनेजर पे गया, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और ये आ गई मेरे सामने उसकी डाउनलोडेड फाइल। ये है मेरा COVID-19 वैक्सीनेशन का सर्टी, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने इसमें कौन सी वैक्सीन लेके रखी है वो भी दिखने वाली है। मैंने कोविडशील्ड लेके रखी है इसलिए कोविडशील्ड दिखा रहा है, और साथ में आपको एक QR कोड भी दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे सेंड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से डाउनलोड किया जाता है अपना वैक्सीनेशन का सर्टी। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आप सबको समझ आ गई होगी कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने COVID-19 वैक्सीनेशन के सर्टी को। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल देवानी मुकेश को। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ।